जब कोई आपको इग्नोर करे, बार बार आपकी वैल्यू ना करे, तब ये करना ना भूले। हेलो फ्रेंड्स, लव ट्यूब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। नंबर 5 पे अपनी सीमाएं निर्धारित करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपको इग्नोर कर रहा है और इससे आपकी भावनाओं को ठेस पहुँच रही है, तो अपनी सीमाएँ निर्धारित करें। ये जानना महत्वपूर्ण है, आपके सम्मान और भावनाओं का भी महत्व है। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आप किसी के पीछे अपने सम्मान को, आत्मसम्मान को खोकर नहीं जा सकते। तो बार बार कोई इग्नोर कर रहा है तो आपको कोई एक लिमिट तक फिर वहाँ पे रुक जाना है कि इससे आगे मैं नहीं, आप जाइए अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ये रवैया आपको अपनाना होगा। नंबर 4 पे अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करें, अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से और शांति से कह दें। उन्हें बताएं कि उनका इग्नोर करना आपको कैसा महसूस करा रहा है, कि ये गलत कर रहे हैं। हाँ, 2-3 बार मैं सामने से आपको भाव दूंगा, ठीक है, मैं बातचीत करने आऊँगा, लेकिन बार बार ये मुझसे नहीं होगा। फिर आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, क्योंकि मेरी भी अपनी ज़िंदगी है, मैं अपने आप पे भी ध्यान देना चाहता हूँ। और बिना कारण आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं जो आपने कुछ पहले से ही बना रखा है दिमाग में, तो अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करें शांति से। नंबर 3 पे संभावित कारण को जाने, सोचे कि क्या कोई कारण हो सकता है, क्या आपसे कोई गलती हुई है, क्या बोलने में कोई, या फिर आपकी फैशन, आपका रहने का रवैया उनको पसंद नहीं, क्या कोई घटना हुई है, क्या आपने कुछ ऐसा किया है जिससे वो नाराज है। ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जानेंगे तो एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आप उसको सुधार पाएंगे। नंबर 2 पे सीधे बातचीत करें, अगर संभव हो तो सीधे उस व्यक्ति से बात करें कि सब कुछ ठीक है, क्या आपके घर में कोई टेंशन है, क्या मुझसे कोई नाराज़गी है। अगर इतना आप कर पाए तो देखिए, सीधी बात पूछने में हमें डर लगता है, लेकिन सीधे पूछने से सॉल्यूशन आ जाता है। नंबर 1 पे खुद को शांत रखें। देखिए, खुद को शांत रखना बहुत ही आवश्यक है। अत्यधिक प्रतिक्रिया देने से बचना है। भावनाओं में बह कर लोग कुछ भी कर लेते, तूने मुझे इग्नोर किया, मैं मर जाऊँगा, मैं जान दे दूँगा, ये वो, ये फालतू का चीज़ है। तो ये चीज़ ध्यान रखें, हमें रिश्ते को फिर से जीवंत करना है, ख़त्म नहीं कर देना है। तो कोई इग्नोर करे तो शांत रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें जिसको ध्यान देना है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस तरह से हैंडल करते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, फ्रेंड, वीडियो को देख रहे हैं सारे JBF राजा मजमू लाला जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी सवाल या सुझाव हो कमेंट बॉक्स बताना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, नो बेटर लिव बेटर।